नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बदर्स ट्यूब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिवाली का मतलब ढेर सारी मिठाइयाँ और लजीज पकवान, साथ ही पटाखों का प्रदूषण, मतलब शरीर पे दोहरी मार। प्रदूषण के साथ ही रंग बिरंगी मिठाइयाँ और तले भुने तेलीय व्यंजन आपके शरीर को और ज़्यादा टॉक्सिक करने वाले हैं। इसका असर आपके शरीर पे लंबे समय तक रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिनों वातावरण बहुत अच्छा रहता है। विकासशील देश होने की वजह से भारत के ज़्यादातर राज्यों में तकरीबन साल भर वायु प्रदूषण रहता है। ऐसे में जरूरी है कि इससे निपटने के लिए साल भर शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें और कब किया जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले आपका जान लेना जरूरी है कि क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ होता है कि खून को साफ कर शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालना। ये शरीर में मौजूद रक्त को शुद्ध करता है और विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि कब पड़ती है जरूरत। कम से कम साल में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया जरूर अपनानी चाहिए। हालांकि कैंसर व टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को, बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कराना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए सही है या नहीं, इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। इन आसान तरीकों से करें डिटॉक्सिफिकेशन। पहला तरीका, डिटॉक्सिफाई का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियां खाएं। इससे लीवर एंजाइम सक्रिय होकर शरीर से प्रदूषक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करेगा। दूसरा तरीका, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। सामान्य फूड प्रोडक्ट्स में कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तीसरा उपाय, हर्बल चाय, ग्रीन टी या कैमोमाइल टी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। इससे नींद अच्छी आएगी। ये चाय शरीर में रक्त संचार को बढ़ाती है, जो शरीर में विषैले तत्वों को हटाने में मददगार होते हैं। चौथा तरीका, खाने में लहसुन और अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यह सल्फ्यूरिक तत्वों से भरपूर होता है। ये तत्व शरीर में ग्लूटाथियोन नामक एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करते हैं। ये शरीर में मौजूद रसायन और भारी धातु सहित अन्य विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है। पांचवा तरीका, प्रतिदिन कम से कम एक गिलास लेमन जूस पीने से ना सिर्फ शरीर शुद्ध होता है, बल्कि शरीर में खार की मात्रा भी बढ़ती है। ये एक सर्वश्रेष्ठ डिटॉक्स ड्रिंक है। छठा तरीका, नियमित हल्का आहार लें और करीब एक महीने तक शराब से दूर रहें। इस विधि से ना सिर्फ आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, बल्कि इससे आपके वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का स्तर भी कम होगा। सातवां तरीका, प्रदूषण की वजह से एलर्जी भी हो सकती है। नाक से सांस लेने के दौरान अक्सर प्रदूषक तत्व नाक में जम जाते हैं। इससे बचने के लिए अपनी नाक को नियमित रूप से पानी से धोएं। ऐसा करने पर वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। आठवां तरीका, कुछ आदतों को छोड़ें। अगर आप सिगरेट और शराब का अधिक सेवन करते हैं तो यह आदत छोड़ दें। यहाँ तक कि थोड़ा सिगरेट पीना भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा अगर आप शराब पीते हैं तो इसे जहाँ तक हो सके कम से कम पिए। नौवां तरीका, माइक्रोवेव से बचे खाने को माइक्रोवेव में रखने से इसमें मौजूद प्रोटीन की संचरण बदल जाती है। इसे खाने से शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, माइक्रोवेव में रेडिएशन भी निकलता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दसवां तरीका, बेक के हुए आहार से परहेज करें। इस तरह के आहार देखने में भले ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन आमतौर पर यह फूड कलर और प्राकृतिक रंगों से भरे होते हैं। इससे शरीर के साथ साथ दिमाग और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन और कैसे किया जाना चाहिए।
फिर भी हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कर लें इस विषय पर। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।